सत श्री अकाल जी, पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। लासानी शहीद सरदार भगत सिंह का जन्म मिति 28 सितंबर 1907 नूं लायलपुर जिले के कस्बे बंगा विच होया। कस्बा हुण पाकिस्तान विच स्थित है। सरदार भगत सिंह के पिता जी का नाम सरदार किशन सिंह, माता जी का नाम विद्यावती सी। भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह सन, जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा नाम की एक बहुत वड्डी लहर खड़ी की, देश की आज़ादी विच अपना बहुत वड्डा योगदान पाया। भगत सिंह के पिता जी भी स्वतंत्रता संग्राम के विच पूरी तरह सरगर्म सन। सरदार भगत सिंह बचपन तो ही बहुत दलेर सुभाव वाले सन। सरदार भगत सिंह के बचपन की घटना बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली है। वो अपने पिता जी के नाल खेत गए और पिता जी ने पूछा कि तुसी खेत विच की बीजते हो। उन्होंने पिता जी ने दसिया कि असी खेत विच बीज बीजते हाँ, जिस नाल बहुत भरवी फसल होंदी है। भगत सिंह होर ने सवाल किया कि आपां खेत विच बंदूकां बीज सकते हाँ, जिस नाल बहुत सारिया बंदूकां होर पैदा हो जाण। उन्होंने पिता जी ने मुड़ सवाल करते हुए भगत सिंह नूं पुछया कि तुसी इन्हां बंदूकां दा की करोगे। सरदार भगत सिंह का जवाब सी कि मैं इन्हां बंदूकां नाल देश विचों अंग्रेजा नूं बाहर कढ़ांगा। सरदार किशन सिंह अपने बच्चे का यह सवाल सुन के जिथे हैरान होए, उथे वह अंदरों अंदरी बहुत खुश होए कि मेरा बेटा देश प्रेम अते देश भगती दे राह ते पै गया है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर विखे जलियांवाले बाग का बहुत वड्डा साका होया, जिस विच जनरल डायर के हुक्मों के उत्ते अंग्रेजी फौज ने निहत्ते भारतीयों उत्ते गोलियां की बछाड़ कर दी। इस साके विच 900 तो वधेरे बेकसूर लोग शहीद हो गए। इस घटना ने सरदार भगत सिंह के बाल मन के उत्ते बहुत गहरा असर पाया। सरदार भगत सिंह ने अपने आप को इस तो बाद इस गल लई तैयार कर लिया कि उन्होंने अपने आप को देश की आज़ादी लई तोरना है। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 देश विच असहयोग अंदोलन शुरू कर दिता, जिस विच गांधी जी ने यह घोषणा की कि कोई भी भारती हर तरीके नाल अंग्रेजी हुकूमत का बायकॉट करेगा। सरदार भगत सिंह होर ने भी इस अंदोलन के विच अपने आप नू नाल जोड़ लिया। पर उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा इलाके विच गांधी जी का यह अंदोलन जब हिंसक रूप धारण कर गया तो 5 फरवरी 1922 यह अंदोलन वापस लै लिया। सरदार भगत सिंह महात्मा गांधी के इस फैसले के नाल ना केवल असहमत होए बल्कि उन्होंने गांधी जी के इस फैसले उत्ते बहुत रोस होया। सरदार भगत सिंह ने फैसला किया वो आज़ादी की लड़ाई गांधी के अहिंसा के सिद्धांत अनुसार नहीं लड़नगे, बल्कि क्रांतिकारी तरीके दे नाल अंग्रेजा नूं देश विचों बाहर कढ़नगे। सरदार भगत सिंह ने क्रांतिकारी अंदोलन विच हिस्सा लेना शुरू किया अते कई क्रांतिकारी सभावां दा हिस्सा बने। इस दौरान राजगुरु सुखदेव आदि उन्हां दे नाल जुड़ गए। 9 अगस्त 1925 नूं देश दे क्रांतिकारियां ने अंग्रेजां दा खजाना हथियार खरीदण दे मंतव नाल लुट्टिया, जिस नूं अज असीं काकोरी कांड दे नाम नाल याद करते हां। इस कांड दे विच 4 क्रांतिकारियों नूं फांसी दी सज़ा अते कईयां नूं जीवन भर लई जेल हो गई। इन्हां घटनावां तो बाद सरदार भगत सिंह ने अपनी साल 1928 विच अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा नूं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन दे विच मिला लिया। 30 अक्टूबर 1928 नूं सरदार भगत सिंह ने साइमन कमीशन दे खिलाफ प्रदर्शन दे विच पूरे जोरों शोर नाल हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन विच होए लाठीचार्ज दरमियान लाला लाजपत राय जी काफ़ी घायल हो गए। उस वेले लाला लाजपत राय जी ने कहा सी कि मेरे सीने उत्ते पई एक एक लाठी अंग्रेज सरकार दे ताबूत विच एक एक कील दा काम करेगी। 17 नवंबर 1928 नू लाला लाजपत राय जी इन्हां सट्टा कारण सदीवी विछोड़ा दे गए अते सरदार भगत सिंह अते उन्हां दे दोस्तां ने इस दा बदला लैण दा फैसला लै लिया। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अफसर स्कॉट नू मारन दी योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 नू भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अफसर सांडरस नू गोलियां नाल मार दिता अते उत्थों भज गए। इस तरीके नाल उन्हां ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। अंग्रेज सरकार साल 1929 विच एक मजदूर विरोधी बिल लैके आई, जिस दा मकसद मजदूरां दा शोषण वधा के देश नूं होर लुटना सी। सरदार भगत सिंह अते उन्हां दे साथियां नूं इह मंजूर नहीं सी कि देश दे विच अंग्रेजी हकूमत मजदूरां दा अते किरतियां दा इस तरीके नाल शोषण करे। इस दा विरोध करन लई सरदार भगत सिंह अते उन्हां दे साथी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 नूं असैंबली दे बाहर बंब सुट्टिया। उन्हां दे इस बंब नूं सुट्टण दा मकसद किसी की जान लेना नहीं सी, बल्कि अंग्रेजी हकूमत नूं अपनी कुंभ करनी नींद विच्चों जगाउणा सी। इह बंब इन्ने सुरक्षित तरीके नाल सिटे गए सी कि कोई भी जानी नुकसान ना होवे। बंब सुट्टण तो बाद सरदार भगत सिंह अते उन्हां दे साथी बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद दे नारे लाउंदे होए अपने आप नूं गिरफ्तार करवा लिया।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜੂਨ 1929 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ। 13 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਨੇ 63 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।